नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल व्यास। आज हम आम जनता से सवाल कर रहे हैं, आम जनता के विचार जान रहे हैं कि इस समय बाबा राम रहीम जी की समाज को, पूरे देश को कितनी ज़्यादा जरूरत है। सर, आपका नाम? गुरमेल इंसान। कहाँ के रहने वाले हो सर? चौसाला, हरियाणा। बाबा राम रहीम जी के बारे में आप हमें बताइए कि उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या कुछ किया है। हमारे सतगुरु ने ऐसे तो समाज के लिए कुछ क्या नहीं किया, इस देश के लिए, दुनिया के लिए विश्व में नाम किया है सिरसा का। यहाँ बार बार बड़े डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इस पृथ्वी के लिए गुरुजी ने बहुत सी मुहिम चलाई गई है और हम अपने सतगुरु पर गर्व करते हैं और ऐसे गुरुजी को अभी बाहर निकाला जाए। दान दान सतगुरु तेरे आसरा। आप हमें दिखा रहे हो कि आप अभी खून दान करके आए हो। क्या आपको डर नहीं लगता खून दान करते समय? अरे जिसके साथ हमारे मालिक है उसे नाड़ कटवाने से भी डर नहीं लगता और ये तो खून दान है। कितनी उम्र आपकी? 23 साल। कितनी बार खून दान कर चुके हो आप? 3 बार। 3 बार आप खून दान कर चुके हो। कितना जज्बा, इतना इंसानियत के प्रति जज्बा किसने भरा आपके अंदर? हमारे मालिक ने, हमारे सच्चे डॉक्टर गुरमीत राम संत इंसान जी ने हमारे उत्तर इतना जज्बा दिया है कि हम अपने गुरु के लिए मर मिट जाएंगे। कि डेरा बाबा राम रहीम जी ने क्या क्या कार्य किए हैं समाज को अच्छी दिशा में लाने के लिए? सफाई अभियान, देखो हमारे देश में, हमारे हरियाणा में कितनी गंदगी थी, ऐसी ऐसी जगह हमने सफाई की है। नालों में ऐसे कूद जाते हैं जैसे नहरों में बच्चे नहाते हैं और हम अपने मालिक के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। अंत में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे गुरु जी को बाहर निकाले और हमें, हम अपने गुरु के चरणों में रहना चाहते हैं या हमें वहाँ भेज दिया जाए जहाँ गुरु जी को रखा गया है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।